बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बीफ चटपटा टिक्का। उसके लिए मैंने छोटी छोटी बीफ की बोटियां ऐसे बना ली हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से आप बड़ी भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने छोटी छोटी बनाई हैं, वो ज़रा इजीली मैरिनेट होंगी और जल्दी गल भी जाएंगी। हाफ के जी ले लिए मैंने बीफ टिक्का, 2 टेबल स्पून लेमन जूस, 1 टेबल स्पून मैंने लिए जी मैंने गार्लिक की पेस्ट, 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट, 1.5 टेबल स्पून मैंने लिए कच्चा पपीता की पेस्ट ले लिया है। आप चाहें तो एक छोटे साइज का पपीता लेके ना, जो कच्चा होता है, उसकी पेस्ट बना के उसे आप फ्रीज भी कर सकते हैं। फिर जिस हिसाब से आपको जरूरत हो आप उसको निकाल के यूज कर लें। इससे इंशाल्लाह मैरिनेट करने में, यानी कि इसको गोश्त को गलाने में हमारी बहुत आसानी रहेगी। 1 टीस्पून मैंने लिया है जीरा भुना हुआ कुटा हुआ सफेद वाला, 1 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया है सफेद नमक। अब सबसे पहले हम जी अपने बीफ को मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले इसमें जाएगा लेमन जूस, लहसुन अदरक और पपीते की इसमें डाली गई पेस्ट, ड्राई स्पाइसेस चले जाएंगे इसमें। अब अच्छे से इनको हम मिक्स करेंगे। देखिए अच्छे से हमारा मिक्स हो गया, इसे हमने अच्छे से मैरिनेट कर दिया है। अब इसको मैं 30 मिनट्स के लिए कवर करके रख दूंगी रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद हम इसको कुक करते हैं। मैरिनेट हो गया है, अब हम इसे कुक करते हैं। उनके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं, 2 मैंने लिए हैं मीडियम साइज के प्याज, बारीक बारीक मैंने काट लिया, 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा भुना हुआ, 4 लौंग, 2 मैंने लिए दालचीनी की स्टिक्स, 3 तेज़पत्ते, 3 से 2 या 3 से 4 भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, 1 मैंने लिए बड़ी इलायची, 1 प्याली दही, इसे अच्छे से बीट कर लिया, 4 से 6 सब्ज मिर्च लेके मोटा मोटा कूट लिया है, 1/2 प्याली टमाटर पेस्ट ले लें या टमाटर की आप प्यूरी ले लें, मैं टमाटर प्यूरी ली है, इसकी रेसिपी मैं आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने लिया है कोकोनट पाउडर, वो आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा, 1 टीस्पून रेड चिली, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया लिए मैंने, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ले लिया। अब सबसे पहले हम प्याज को फ्राई करते हैं। तो कुकिंग ऑयल हमारा ऑलरेडी गर्म हो गया है, अब इसमें जाएगा प्याज। इसको हमने सॉफ्ट भी करना है और थोड़ा सा गोल्डन भी करना है। मीडियम फ्लेम पे इसे मैं फ्राई करूंगी। आप जितना बारीक करेंगी उतने ही जल्दी ये इंशाल्लाह अच्छे से फ्राई हो जाएगा। प्याज हमारा फ्राई हो गया, अब मैं इसमें डालूंगी गरम मसाले साबुत जो है, इन्हें अच्छे से इनमें फ्राई करेंगे। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक इनको हम इसमें फ्राई करेंगे। प्याज और गरम मसाला अच्छे से हमारा सोते हो गया, खुशबू मुझे इसमें से आने रखी है। अब मैं इसमें डालूंगी गोश्त, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम। कुटी हुई ग्रीन चिली, आप चाहें तो बारीक बारीक में काट भी सकते हैं, ड्राई स्पाइसेस, इन्हें मिक्स करते हैं ताकि साथ साथ जो हमारे तमाम मसाले हैं अच्छे से मिक्स होते जाएं। पाउडर इसमें जाएगा टमाटर प्यूरी, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कोकोनट पाउडर डालने से देखिए आप, इसमें आपको बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा आपके खाने में। स्टेज में इसमें जाएगा 1 गिलास पानी, गोश्त पानी मैंने इसलिए 1 गिलास डाला है, ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं डाला अपने बीफ टिक्के में, क्योंकि हमने इसे पपीता पहले से लगाया जिससे हमारा जो है ना बीफ टिक्का बहुत जल्दी गल जाए। अब इसको मैं तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी मीडियम फ्लेम पे ताकि गोश्त हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए, उसके बाद मैं इसमें दही शामिल करती हूँ। 30 मिनट हम इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह से देखिए बहुत खूबसूरत कलर आया है और वैसे ऑयल भी ऊपर आ गया है, लेकिन मैं पहले चेक करती हूँ कि हमारी बीफ की बोटी अच्छे से टेंडर हो गई है। देखें इस तरह से, हाँ माशाल्लाह से देखिए मेरी अच्छे से टेंडर हो गई है, लेकिन अभी तकरीबन थोड़ा सा इसमें है कसर है। इस स्टेज पर मैं इसमें डालती हूँ दही। अब इसका पानी हम बगैर कवर किए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से खुश कर लेंगे, उसके बाद माशाल्लाह ये रेडी हो जाएगी।
दही देखिए माशाल्लाह अच्छे से मिक्स हो गया, उसका पानी बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं है। अब बस हमने वेट करना है कि ऊपर थोड़ा सा ऑयल आ जाए, और मैं इसमें डालूंगी लास्ट में भुना हुआ सफेद जीरा हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून रेगुलर घर का जो पिसा हुआ गर्म मसाला होता है वो इसमें मैं डाल दूंगी। गर्म मसाले की रेसिपी पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब इसको मैं कम से कम 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे रखूंगी, हमारा ऑयल आ जाता है और फिर मैं इसको डिश आउट करती हूँ। दम पे माशाल्लाह हमारा गोश्त रेडी हो गया है, अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। ऑयल देखिए माशाल्लाह ऊपर बहुत खूबसूरत सा आ गया और कलर भी इसका बहुत अच्छा आ रहा है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। यमी सा चटपटा सा हमारा बीफ चटपटा टिक्का तैयार हो गया है, साथ मैंने क्रिस्पी से पराठे सर्व किए हैं। साथ आप भी पराठों से इसको जरूर सर्व कीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। और मेरी रेसिपी को पसंद करने पर मेरे चैनल को आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ जरूर आऊंगी। अल्लाह हाफिज़।